राजस्थान की खूबसूरती को निखारते इस प्रकार के घर, छोटे छोटे जो इसको झोपड़ी जैसे बोलते हैं यहाँ पर, ये झोपड़ियाँ खेतों में अक्सर ऐसे बनाई जाती हैं धूप से गर्मी से बचने के लिए। किसान अपना खेत जोतने के बाद इसमें आराम फरमाता है या कुछ सामान अपना रखता है, खाना पीना करता है, रोटियां खाने का की व्यवस्था भी इसी के अंदर वो करते हैं, पानी वगैरह के मटके रखते हैं, वो ठंडे रहते हैं। तो रेगिस्तानी इलाकों में इस तरह की झोपड़ियाँ आपको खेतों में मिल जाएंगी। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए ये पूरा जो एरिया है, क्षेत्र है, ये आप देखेंगे तो ये पूरा यहाँ पे रेगिस्तानी एरिया है। ये टीले हैं मिट्टी के बड़े बड़े, और इसी इन्हीं टीलों के में जब किसान खेती करता है तब ऐसे खेतों में झोपड़े बनाता है। इस प्रकार के झोपड़े फ़िलहाल लुप्त होने की कगारों पर है, क्योंकि जिस प्रकार से सीमेंटेड मकान बनाने का जो कंसेप्ट आ गया है शहरों से, वो अब धीरे धीरे खेतों में या तो थोड़े बहुत टीन सेट जैसा कुछ बनाते नज़र आएंगे आपको। लेकिन ये पुरानी जो परंपराओं के तहत इस तरीके का ये झोपड़ा बनाया जाता है। देखिए ये जो झोपड़ा है इसको बनाने में किसी तरीके का दूसरे ही प्रकार का कोई मटेरियल जो है वो यूज़ नहीं लिया जाता है। खेतों के अंदर ही ये सारा सामान उपलब्ध होता है। जैसे देखिए ये इसको पानी, यहाँ जैसे अगर मारवाड़ी में बोलूँ तो पानी के डोके जिसको बोलते हैं, पानी के लकड़ी है ये, पानी इसको बोलते हैं, तो उसको इस तरीके से पूरा जचा करके काट करके बनाया जाता है। और ये इसी के साथ में ये कटीली झाड़ियाँ इसके चारों तरफ लगा देते हैं ताकि कोई सांप और किसी प्रकार के जानवर अंदर ना जा सके। और ये देखिए पूरा लकड़ियों से ही इसका ये जो चौखट है वो तैयार की गई है। और अगर हम इसके अंदर घुसेंगे तो हम दिखाएंगे आपको कि ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाई जाने वाली झोपड़ियां हैं। ये कलाकारी राजस्थान की कलाकारी है, बहुत सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है। इसकी जो बनावट आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से इसको बनाया गया है। इन झोपड़ियों को बनाने में मेहनत तो लगती ही है, लेकिन बनाने वाले की कलाकारी आप देखिएगा कितनी सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है। ये यहाँ पे लकड़ियाँ खड़ी कर करके और उसके पीछे की तरफ से और कटीली झाड़ियाँ वगैरह लगा दी जाती हैं ताकि जानवरों से बचा जा सके। और यहाँ पानी वगैरह के मटके यहाँ पे वो रख देते हैं किसान लोग जो खेतों में काम करते हैं वो, ताकि पानी ठंडा रहे। और ये इसकी मज़ेदार बात यह है कि ये चिलचिलाती धूप में, अगर एसी वाला कमरा भी कहा जाए तो ये मन मोह लेने वाला ये खेतों के अंदर ऐसा झोपड़ा आपको दिखेगा। ये सिर्फ ज़्यादातर आपको राजस्थान के खेतों में आपको इस तरीके के झोपड़े नज़र आएंगे। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत एक झोपड़ा यहाँ पे एक खेत में बनाया गया है, हम आपको वो दिखा रहे हैं। तो ये है पूरे, ये राजस्थान की जो संस्कृति का एक हिस्सा है वो है ये कलाकारी। इस प्रकार के झोपड़े ये बेहतरीन कलाकारी के एक नमूने हैं। ये पूरे जो क्षेत्र है इसमें अलग अलग खेतों में आपको थोड़ा अलग अलग डिजाइन के ये इस प्रकार के झोपड़े मिल जाएंगे। ये पूरा रेगिस्तान एरिया है, हम मलसीसर से लगभग 2-2.5 किलोमीटर पहले ही हैं, उसी एरिया में इस प्रकार का ये झोपड़ा बना हुआ है। दूसरा आप देखेंगे कि ये जो यहाँ पर जो रेगिस्तानी क्षेत्र में जो पेड़ होते हैं वो रेगिस्तानी क्षेत्र के पेड़ जो संजीवनी बूटी कह सकते हैं, ये है जाटी इनको बोलते हैं, और इनमें जो फल लगता है उसको सांगरी बोलते हैं। वो बहुत ही पौष्टिक उसमें सब्जी में